कुछ लोग ढाले में बैठ रहे हैं ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, फहद वासे में और यहाँ पे जहीर। बच्चों की हालत बुरी हुई है, ये चेक करें मेहरान वाले के काम, वो साथ बिठाया हुआ है, ये चेक कर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डॉक्टर खुर्रम व्लॉग्स। आज का जो दिन है वो है सैटरडे, उस वक्त टाइम हो रहा है सुबह का तकरीबन 6:30 बजे का, और यहाँ पर भूख से हालत बुरी हो चुकी है। वो क्यों हुई है, वैसे तो नॉर्मली होती है लेकिन जो ना मेरी इस वजह से, क्योंकि मैं आज पूरी रात पढ़ा हूँ, मतलब तकरीबन मैं 2:30 बजे बैठा था पढ़ने पर, फिर मैंने 4 बजे थोड़ी रेस्ट ली, उसके बाद फिर मैं 5 बजे बैठा, अब 6:30 बजे उठा हूँ। तो यहाँ पर भूख से हालत जो है ना वो बहुत बुरी हो चुकी है। तो अब जो है ना मुझे नाश्ता करना है, तो इसलिए चलते हैं पाए नाश्ता वगैरह करते हैं। अब जो है ना हमारा सेमेस्टर के पेपर्स चल रहे हैं, तो एक पेपर था हमारा थर्सडे पर, उसके बाद जो ना अब जो दूसरा वाला पेपर है वो होगा इंशाल्लाह मंडे को। तो मंडे पे जो है ना हमारा होगा मैनुअल थेरेपी का। तो बहरहाल पहले चलते हैं नाश्ता वगैरह करते हैं, फिर नाश्ते के बाद आगे दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारी जान खड़ी हुई है, चेक करें, माशाल्लाह 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 कितनी प्यारी लग रही है, ये चेक करें, सुभान अल्लाह। अच्छा पहले मैं आपको ये दिखाता चलूँ कि इसके जो पहले रिम्स थे ना वो थे सिल्वर, अब जो हैं इसके रिम्स वो हैं कार्बन ब्लैक में, और माशाल्लाह से अब जो है ना मैंने फुल टिंट करवा लिए, ये चेक करें फ्रंट से। कि सुबह सुबह के टाइम हमारे सोसाइटी का चौकीदार बैठा हुआ है, चेक करें सुबह सुबह के टाइम, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, ये चेक करें। हमारे सोसाइटी का रोड है ये बाहर वाला, तो यहाँ से जो ना मेन एंट्रेंस है हमारी सोसाइटी की, लेकिन आप लोग ना एक तो व्यू चेक करें ऊपर से, आज तो मौसम भी ठंडा ठंडा सा है और क्लाउड्स लगे हैं, देखो ऊपर क्लाउडी वेदर है, तो माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये चेक करें क्या ही जो है ना एक अलग ही लुक आ रही है, कस्टम से एक फ्रेश फ्रेश अलग ही वाइब्स आ रही है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। आज हम जो है ना रेस लगाते हैं, अब वो किसके साथ लगाते हैं वो आज हम लगाएंगे इसके साथ। आर यू कॉमेडी मी? तो आज चलो इसके साथ लगाते हैं। अभी देखते हैं क्या सबसे पहले जो ना वो सामने वाला जो है ना बंद कौन क्रॉस करता है, देखते हैं। ये चेक करें कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? ट्रेन में जो है ना भाई ये हल्का इंजन लगा हुआ है 660 cc, ये हमारी जो है ना माशाल्लाह से 1800 cc है, सो बेस्ट। ऐसे मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात नहीं है, ये आप लोग चेक करें माशाल्लाह से एक ट्रेन का जो इंजन है वो कितनी जो है ना बोगियों को साथ लेके चलता है, ये चेक करें कितनी लंबी ट्रेन है वो सामने से जो है ना, अभी ये देखें अभी भी कंटिन्यू है यहाँ से, आप लोग चेक करें कितनी बड़ी है, अब यहीं से ही अंदाजा लगाएं, ये देखें अभी भी कंटिन्यू, ये देखें वो मतलब वो आखिर तक, अभी तो आपको सही नहीं क्लियर नहीं दिखता दिख रहा होगा, अभी जाके ट्रेन खत्म हो, ये चेक करें, ये देखें सारा जो भी लाइक है ना ये सखर की सब्जी मंडी कहलाता है, मतलब पीछे से शुरू होती है, वैसे तो जो ना मेन मंडी आगे है वो देखे ना यहाँ पे ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई हैं, अभी मैं आगे चलकर आपको दिखाता हूँ कि जो ना सब्जी मंडी सखर की कौन सी है, तो मतलब अभी तो जो है ना काम इनका तकरीबन आधे से ज्यादा हो गया होगा, क्योंकि मंडी जो है ना सुबह जल्दी मतलब फजर की अजान जैसे मतलब फजर की अजान होती है तब से जो ना ये लोग शुरू हो जाते हैं, अभी ये चेक करें यहाँ पर कितनी रश लगी हुई है, ये सारे जो ना मंडी पर आए लोग लोडिंग अनलोडिंग ये प्रोसेस चल रहा है, ये चेक करें यहाँ पे बोलियां शोलियां लगती हैं, मुझे तो यहाँ के तौर तरीके नहीं पता, बट अब जितना मैं जानता हूँ उतना आपको बता सकता हूँ, ये चेक करें बेचारे सब लोग जो है ना अपनी पेट पूजा के लिए सुबह सुबह आते हैं यहाँ पर, यहाँ से जो है ना सस्ती सब्जियाँ लेते हैं मतलब मुनासिब रेट में, तो जो है ना मुनासिब कीमत में लेकर जो है सोसाइटी वगैरह में या फिर अपने शॉप्स वगैरह पर जाकर सेल करते हैं, तो इस तरह का यहाँ पर माहौल है, ये चेक करें। कि मैं अकेले किधर जाता नहीं हूँ, तो आज भी हैं हमारे साथ दो बॉयज यहाँ पे ईशान डॉन पहुँच चुके हैं, और उनके साथ हमारे दोस्त अब्दुल्ला, तो इन दोनों ने मुझे ज्वाइन किया है, तो अभी इनको लेकर किधर चलते हैं भाई, किधर नाश्ता करें, देखें सिंदड़ी या सब्जी मंडी। ओके यहाँ पर हम नाश्ते वाली लोकेशन पर पहुँच चुके हैं, वैसे हम जा रहे थे सिंदड़ी, तो मैंने सोचा की सिंदड़ी का तो डेली नाश्ता करते, तो ईशान कह रहा था इनकी जो है ना पुड़ियाँ बहुत मशहूर है, तो हलवा पुड़ी इनकी ट्राई करते हैं, ये भाई जो है ना बड़े अरसे से यहाँ पे पूड़ी लगाते हैं बीच मंडी में, ये चेक करें यहाँ से जो है ना बीच गढ़ है मंडी का, यहाँ पर फुल देसी माहौल लगा हुआ है, ये चेक करें ईशान भाई ने बड़ी कोई ना आउट क्लास जगह ढूंढी है,
अब्दुल्ला इसके साथ होते आपको पता है इन दोनों का रिश्ता भी बार बार रिपीट नहीं कर सकता। यहाँ पे गरम गरम पूड़ियाँ आ चुकी हैं, तो बात कम करते हैं, खाते हैं जल्दी से क्योंकि आपको पता है ठंडी हो जाएंगी। एक तो ठंड भी है। 3 minutes later फाइनल यहाँ पर नाश्ता डन हो चुका है। बड़ा ही मजे का था, बड़ा ही लजीज था। जिसको भी खाना है ना, तो वहाँ से एंट्रेंस से सब्जी मंडी की जैसे एंटर हो गया आप, मस्जिद के साथ ही है जो ना भाई की रेडी शेडी, ये सारा सिस्टम लगा हुआ है, आप यहाँ पर आकर खा सकते हैं। नाश्ता कर हम यहाँ पर जो है ना चाय वगैरह पीने आए। मैं तो नहीं पीता, ये जो है ना ईशान भाई चाय पियेंगे और अब्दुल्ला भाई, तो इन दोनों के लिए जो है ना गुड़ वाली स्पेशल चाय आ चुकी है। ये लो अब्दुल्ला भाई, अल मदीना होटल पर इस वक्त हम जो है ना मौजूद हैं, तो चाय शाय ये दोन पियेंगे दोनों बॉस। जल्दी चाय पियो। ओके पीते। ये देखो भाई, सो वहाँ पर ईशान वालों ने जो है चाय पी, और जो चाय मैं कम पीता हूँ इस वजह से मैं पीता हूँ ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, तो मैंने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक पूछी तो वहाँ पर गर्म थी। जब नाम ही हुआ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड मतलब ठंडा, तो मतलब ठंडा पियो भाई, पैसे भी दे रहे तो ठंडा पियो। तो इस वजह से जो है ना मैंने आकर अपने इलाके से मतलब अपनी सोसाइटी में आकर जो है ना कोल्ड ड्रिंक लिए, तो अभी जल्दी से इसको मुकाते हैं। 6 hours later सो वेलकम बैक गाइज, यहाँ पर जो है टाइम हो रहा है तकरीबन 7 बजे का और मगरिब की अजान हो रही है, तो बस अभी जल्दी से फ्रेश वगैरह होते हैं, फ्रेश होकर जल्दी से नमाज पढ़ते हैं, फिर जो भी सीन बनता है आपके साथ शेयर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नमाज जो है पढ़ लिए, तो बस अभी चलते हैं बाकी दूसरे काम करते हैं वासे को उठाने। तो जो है ना अभी जगह गाड़ी में कम थी, इस वजह से वासे और आफा को दोनों को साथ बिठाया हुआ है। ये चेक करें आप लोग, यहाँ पे जो है ना छोटा सेठ जो है अभी ड्राइविंग कर रहा है, और यहाँ पे जहांगीर साहब है, फहद मर साहब है और जई डॉन है यहाँ पर, तो ये पूरी संगत है आज साथ। तो चलते हैं अभी, किधर जाएंगे सेठ? अभी मैं जाऊंगा बताऊं? नहीं किधर चल रहे, मजाक से हट के बताओ। लबे मेरा, चलो अभी चलते हैं, बस लबे मेरा वहीं चल के मिलते हैं। तो कुछ लोग ढाले में बैठ रहे हैं ऐसे एंजॉयमेंट के लिए, फहद वासे में और यहाँ पे जहीर, यहाँ पे जहीर माको साहब बैठे हुए डाले पे मजा लेते हुए, यहाँ पे वासे हमारे साथ है, वासे के साथ फहद मरे, हालत देखे कैसे बैठे हुए हमने कहा हम तो शोक शोक में पीछे आ गए, लेकिन यहाँ पर इतनी कोई ज्यादा सर्दी है क्योंकि जो ना यहाँ पे बाहर वाला मतलब बाहर है ना, तो हवा भी ठंडी ज्यादा है, इस वजह से ड्राइवर का दिमाग खराब हो चुका है। आप लोग देख सकते हो गंदे गंदे कट लगा रहे हैं यहाँ से। पर हम घूम घुमा कर जो लबे मेरान पहुंच चुके हैं पॉइंट पर, पॉइंट पर ये चेक करें सारे बॉयज। बड़ी आज सर्दी है, मतलब पहले के मुताबिक आज वाले दिन बहुत ज्यादा सर्दी है, तो यहाँ पे जो है बच्चों की हालत बुरी हो गई। ये चेक करें मेरान वाले के काम, ये देखें अभी यहाँ पे गाड़ी लग जाएगी तो इसकी क्या हालत बनेगी आप लोग समझ सकते होंगे। वैसे ड्रिफ्टिंग बहुत अच्छी कर रहा है बंदा, हमारे यहाँ चश्के होते हैं, लगा हुआ है यहाँ पे ड्रिफ्टिंग हो रही है जैसे कि आप देख सकते हैं जनाब। वासे आप क्या कहोगे हमारे व्लॉग्स के बारे में? जी सर जी, खुरम को लाइक फॉलो सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, तो सब कर लिया है, थैंक यू सब कर लिया है। यहाँ पर सबने ग्रुप फोटोज लेने थे, तो जो है ना लाइटिंग नहीं थी बिल्कुल भी, तो फोटोज अच्छे नहीं आ रहे थे। अभी जो है ना गाड़ी को इस तरफ से खड़ा किया है ताकि जो है ना पिक्चर्स अच्छी आए। यहाँ पर हालत खराब हो चुकी है, सर्दी है बहुत ज्यादा, तो बस चलते हैं वापसी पर। हम घूम फिर कर जो है ना वासे को ड्रॉप करने आए हैं, तो बस अभी जो है ना यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं फिर चलते हैं अपने घर। Few moments later. Alafiz. Okay, Jangi Don. Alafiz. बस फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप्स आप सब लोगों ने बहुत एंजॉय किया होगा, मिलते हैं आप लोगों के साथ नए व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।